Hello friends, कैसे हो सारे? आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होगे। So guys, आज हम लोग कुछ इस तरह का broken वाला photo editing करने वाले हैं। And guys, ये photo editing आज हम लोग PicsArt application के अंदर करने वाले हैं। And guys, ये photo editing बहुत ही कम time में आज करने वाले हैं। Video को शुरू से अंत तक देखना। अगर आपको video पसंद आया तो video कर देना एक like। चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल। आप लोगों को कुछ इस टाइप का फोटो क्लिक कराना है जो आपका साइड में जो यहाँ पे नेचर दिखे, ठीक है। तो आज का फोटो हमारा डार्क बनने वाला है, मतलब कि यहाँ पे डार्क जो ब्लैक आता है उस टाइप का आज हम लोग बना लेंगे फोटो, ठीक है। तो हम लोग इसको हम लोग शेयर कर देंगे PicsArt एप्लीकेशन के अंदर। PicsArt एप्लीकेशन के अंदर आप कुछ इस तरह का आप लोग यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ब्लैक कर लेना है फोटो को, मतलब कि डार्क। आप लोग सिंपल इफेक्ट के अंदर कर देना क्लिक एंड जाते हैं हम लोग कलर्स वाला टूल्स पे, ठीक है। कलर्स वाला टूल्स पे कर देंगे क्लिक एंड कलर वाला टूल्स पे क्लिक करने के बाद गाइस आप सो आप लोग यहां पे सिंपल जो सेकंड नंबर ऑप्शन है उस पर कलर स्प्लैश पे कर देना क्लिक एंड क्लिक करने के बाद स्प्लैश ऑप्शन को आप लोग यहां पे फेस के ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। जो आप लोग जिसको भी आप लोग ब्लैक नहीं करने वाले उसको उसका ऊपर ये प्लस वाला आइकन छोड़ देना है। गाइस देख सकते हैं आप लोग प्लस वाला आइकन छोड़ दिया, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक हो गया, ठीक है। आप इस वाला ऑप्शन पे कर देना क्लिक, ठीक है। इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग फिर से यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कलर्स पे रहना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सैचुरेशन वाला टूल को सिलेक्ट कर लेना है एंड सैचुरेशन को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग सैचुरेशन पे टैप करना है एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे मल्टीपल में कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो मल्टीपल में कनेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे अमाउंट कर देना 100 एंड गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितना ब्लैक हो गया फोटो के अंदर, कितना डार्क आ गया, जो कितना अवसर लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जो फेस का ऊपर जो रेड दिख रहा है एंड जो शर्ट का ऊपर जो थोड़ा सा यहाँ पे सैचुरेशन ज्यादा दिख रहा है तो आप लोग यहाँ पे रिमूव कर लेना है। तो रिमूव करने के लिए आप लोग सिंपल इरेजर टूल पे क्लिक कर लेना है एंड इरेजर टूल पे क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे इरेज को थोड़ा सा एडजस्ट करके आप लोग यहाँ पे फेस से हैंड से आप लोग यहाँ पे इस तरह से इरेज कर लेना। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इरेज कर लेना। तो आपको फाइनली यहाँ पे फेस से एंड हैंड से इरेज करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल राइट वाला आइकन पे कर देना क्लिक एंड राइट वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद फोटो को फिर से बंद कर लेना है। तो गाइस देख सकते हैं इसका एक क्लिक के अंदर कितना डार्क टोन आ गया इस फोटो के अंदर एंड कितना ऑसम लग रहा है फोटो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिंपल कुछ पीएनजी ऐड कर लेना है। तो आपको यहाँ पे सिंपल फायर वाला हाथ को ऐड कर लेना है। तो आपको ऐड फोटो पे कर देना क्लिक एंड गाइस इस वीडियो में अंदर जो भी हम लोग पीएनजी ऐड करने वाले मतलब जो यूज करने वाला है सारे का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एडवर्ड में कर देता क्लिक एंड एडवर्ड में क्लिक करने के बाद गाइस सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके इस तरह से आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एंड एडजस्ट करने के बाद आप लोग फिर से आप लोग यहाँ पे फोटो कर लेना है डन एंड डन करने के बाद आप लोग फिर से पीएनजी ऐड कर लेना है जो थोड़ा सा यहाँ पे हाई प्लेन दिखा है, ठीक है। उसके लिए आप लोग यहाँ पे फिर से आप लोग ऐड फोटो कर देना क्लिक। तो गाइस मैं यहाँ पे इस वाला पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ एंड इस वाला पीएनजी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करने के बाद हम लोग यहाँ पे फोटो के अंदर कर देंगे क्लिक, मतलब कि जो पीएनजी पीएनजी पे क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ आना है। आप लोग यहाँ पे ब्लेंड पे कर देना क्लिक, ठीक है। ब्लेंड पे क्लिक करने के बाद आप लोग सिंपल स्क्रीन में रख लेना है एंड स्क्रीन में रखने के बाद गाइस देख सकते हो इसका ब्लैक था वो हट गया एंड इसको हम लोग इसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे फेस से इरेज कर लेना। तो आप लोग सिंपल तो जानते हैं इरेजर पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे फेस से इरेज कर लेंगे फेस से हम से, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इस तरह से इरेज कर लेना। इरेज करने के बाद जब देख सकते हैं कि फोटो यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो फोटो कर लेते हैं यहाँ पे सेव। तो यहाँ पे सेव करने के लिए यहाँ पे इसको राइट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको हम लोग गैलरी के अंदर सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे ड्रॉ टूल के अंदर एंड ड्रॉ टूल में जाके हम लोग फिर से ड्रॉ पे कर लेते हैं क्लिक, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फाइनली था फोटो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसका फोटो को लेते हैं पे सेव, ठीक है। सेव करने के लिए आप लोगों को कर देना है थ्री डॉट पे क्लिक एंड थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे सेव में पे कर देना क्लिक। सेव में जो क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे फाइनली आ गया फोटो यहाँ पे सेव। सो गाइस वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना। आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद है। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो का बना एक लाइक, चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।